जबलपुर शहर में अभी आपने बदमाशी करते हुए पुरुषों और युवकों को ही प्राप्त किया हुआ देखा होगा, लेकिन अब यह दौर आ चुका है कि जबलपुर शहर में भी लेडी गैंगस्टरों का बोलबाला होने लग गया है। अभी ऐसा ही मामला एक गढ़ा थाने से आया है, जहां पर एक लेडी गैंगस्टर की एंट्री हुई है जबलपुर शहर में। जबलपुर में अब महिलाएं भी बदमाशी के क्षेत्र में अपना रुतबा दिखा रही हैं, जहां पर गढ़ा क्षेत्र के रहने वाली एक महिला जिनका नाम पीहू विश्वकर्मा है, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने साथी विक्की सोनकर के साथ में मिलकर अपने ही गढ़ा क्षेत्र के इनके ही घर के बगल में बाजू में रहने वाले मनोज शर्मा का पीहू विश्वकर्मा और आरोपी विकास सोनकर के द्वारा अपहरण किया जाता है, उसे पहाड़ियों पर ले जाया जाता है और उसके बाद में उसकी इतनी जमकर कुटाई की जाती है कि वो अधमरा हो जाता है। गढ़ा पुलिस की इस पूरे मामले में एंट्री होती है और उनके द्वारा गढ़ा पुलिस के द्वारा ये बात बताई जाती है कि आरोपी पीहू विश्वकर्मा के ऊपर भी पहले से ही दो मामले दर्ज हैं। इसके साथ में ही जिस अपने साथी विक्की सोनकर के साथ में मिलकर पीहू ने ये पूरा षड्यंत्र किया और युवक का अपहरण किया, उस आरोपी पर भी 10 मामले गढ़ा में दर्ज हैं। अभी आगे वीडियो में आप पूरा विवरण देखेंगे और सुनेंगे भी। मेरे हस्बैंड को विक्की सोनकर ने मारा और पिया भी शामिल है उसमें। वो मेरे घर में आई, पहले उन्होंने लात मारे और तलवार मार के गेट तोड़ दिए, बोतलें मारे, घर में घुस के तलवार मारे मेरे हस्बैंड को और टांग करके ले गए और बोलते हैं कि तुम लोग करोगे तो तुम्हारे हस्बैंड को और तुम्हारे बच्चों को सबको मार डालेंगे हम, और बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की कहीं निकलेगी तो उनको हम लड़कों से छिड़वाएंगे मरवाएंगे। ये पूरा घटना क्रम कहाँ का है? ये ईसाई मोहल्ला गढ़ा थाना लगता है। आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कहाँ ले जा रहे हैं? इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। परसों मनोज शर्मा जो ईसाई मोहल्ले में गुप्तेश्वर सुप्तेश्वर मंदिर के पास रहता था, उसको घर से उठा के तलवारबाजी करके मारपीट करना, मोहल्ले में आतंक व्याप्त करने की इनके द्वारा कोशिश की गई थी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन में चंद घंटों में इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। पैदल लेके जाए? हाँ, गाड़ी खराब होने के कारण इनको पैदल न्यायालय पेश किया जा रहा है। जबलपुर से अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज़ चैनल।